मौसम आज ठीक नहीं है, तो दिल्ली अभी माननीय अमित शाह जी की बहुत इच्छा थी कि मैं रैली में आऊं, लेकिन हेलीकॉप्टर से उनको उड़ने के लिए पायलट्स ने मना कर दिया कि हम उतर नहीं सकते, तो इसलिए उनकी इच्छा थी कि मैं रैली में आना चाहता हूं, लेकिन सड़क मार्ग से 2 घंटे लगने वाले थे, तो मैंने ही कहा है कि आप जो है थोड़ा संबोधन हमारे जो जनता है माइक से टेलीफोन से संबोधन करेंगे, आपका आशीर्वाद देंगे। तो मैं माननीय अमित शाह जी गृह मंत्री भारत सरकार से निवेदन करता हूं कि आपका और मार्गदर्शन टेलीफोन से करेंगे। माननीय अमित शाह जी, मोदी सरकार और उपस्थित सभी भाइयों बहनों, आज इस रैली में मैं बड़े मन से आप लोगों को मिलने आना चाहता था, परंतु खराब मौसम के कारण हेलीकॉप्टर उठाने की परमिशन नहीं है। मैं गाड़ी से आने के लिए भी निकला, मगर 2 घंटे तक वहां पर भी मौसम गिर रहा है, बारिश होने की संभावना है, तो मनोहर जी का निवेदन था कि मैं टेलीफोन पर ही आपसे बात करूं। मित्रों, आने वाले दिनों में आज हमने जो गोहाना में रैली रखी है उसका मकसद है कि 2024 के चुनाव में हरियाणा की सभी सीटों पर कमल खिले और हरियाणा की जनता फिर से एक बार माननीय नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए वोट करे। विगत 8 सालों में हरियाणा में विकास इतना हुआ है जिसके आप सभी साक्षी, हर क्षेत्र में भ्रष्टाचार कम हुआ, कानून और व्यवस्था की परिस्थिति ठीक हुई, जातिवाद समाप्त हुआ है और 70 साल में जितना विकास नहीं हो सकता था वो हरियाणा के अंदर 8 साल में हुआ है। ना नौकरियों के लिए करप्शन है, ना ठेकों के लिए करप्शन है, और पढ़े लिखे सरपंच अब हरियाणा को आगे बढ़ा रहे हैं। भाइयों बहनों, आज मैं आ नहीं पाया हूं, मगर नजदीक के भविष्य में ही मैं गोहाना आकर आपको जरूर मिलूंगा।